सोडी प्रोडक्शन हाउस पेश करते ने अद्धी रात का समा होया। गुरु जी चबारे की बारी खोलते ने आवाजा देंदे ने गलाबिया दौड़ा जाता है चबारे पर चढ़ गया। हां महाराज तू निहाले नू जानदा है? महाराज अब पिछली गली विच ओदा घर है। गलाबिया निहाले दी मां गुरदई हां पातशाह जानदा हां मैं, उन्हें मेरे वास्ते बस्तर तैयार किते ने, पर ओदे अखां दी निगाह चले गई है, मैं बस्तर लैन आया वो मैनू उड़ीकदी रहिंदी। माता गुरदई ने मेरे वास्ते बस्तर बनाए ने, अखां दी निगाह ओदी चली गई, मैं बस्तर लैन आया। महाराज मैं हुणे जांदा हां। चवारे दीयां पौड़ियां उतरदा है ते गलाबा निहाले दे घर जा पहुंचदा है। निहालिया जागदा ही है वो, तू अद्धी रात नू अम्मा जागदी है, मां तो मेरी सौंदी नहीं, ओ नहीं सौंदी। गुरु जी वास्ते बस्तर तैयार कीते ने, हत्थां ते रख के बैराग करदी रहिंदी है, मैनू कहिंदी रहिंदी है, कोसदी रहिंदी तू मैनू नाल लै के चल। गलाबिया किथे लै जावां, आनंदपुरी उजड़ गई, परिवार बिछड़ गया, कहर वापर गए, किथे ले जावां मां नूं। उन्हें भी सब कुछ सुनिया है, कदे कदे अजीत ते जुजार दियां बातां पा के सारा सारा दिन रोंदी रहिंदी है। वो कहिंदा निहालिया महाराज मेरे घर बैठे ने, वो तो मेरे घर बैठे ने, बस्तर मंगदे ने महाराज। बुढ़ी माई अंदर बैठी सुनदी सी, खूंडी चक्की ते बेड़े विच आ गई। निहालिया पुत्र गुरु दियां गल्लां कर रहे हैं। हां मां गलाबा आया है। कहिंदा महाराज मेरे घर ने। मां ने हाथ जोड़ ले। निहालिया देख गुरु पुत्र दिलां दियां जानण वाला है, जे मेरे अखां दी निगाह चले गई है ताने बिरदां वालिया तू बिरद पछाण के आपे ही आ गया। झट देनी अंदर जांदी है, ओ जिहड़ा चोला महाराज जी लई तैयार कीता इन्हां चुक ले आउंदी है। पुत्र चल चलिए, मां रात दा समां है, तैनू दिसदा नहीं चंगी तरह, ठोकरां खाएंगी सवेरे चलेंगे। वो कहिंदी पुत्र हुण नहीं रात लंघनी, रात नहीं लंघनी, गुरु गुआंढ विच होवे ते रात दर्शनां तो बगैर ही लंघ जाए। वो ते आपे ही तुर पई, बां तो फड़दा, मां किथे नूं चली, चल मैं चलदा तेरे नाल। इक बां ते चूला, हथ विच खूंडी, इक हथ पुत्र दे मोढ़े ते, ते गलाबे दे नाल टुरे जांदे ने, पहुंच गए ने। गलाबा कहिंदा लै भी ओ उपर चबारे विच बैठे महाराज। मां ते पुत्र दोनों जाने चबारे विच चढ़ जांदे ने, इस तरह ही बैठे होणगे महाराज। हुण निहाले ने मत्था टेकिया, वो तो मत्था टेक के बह गया, मां नूं दिसदा नहीं, वो तो गुरु जी दे अगे उवें ही खलोती है।
निहाला फिर उठता है, अपनी मां नू ना बांह पकड़ के ना गुरु जी दे कोल कर देता है। मां की कर दी है, जेड़ा दीवा बत्ती गुरु जी दे कोल पे आए चुक के महाराज जी दे सोने मुखड़े वाल कर दी है, ते मध्यम जिहा चेहरा गुरु का नजर आया है, ते वेख के अखां भर लैंदी है। ओए कलगियां वालिया, हिंदुस्तान दे लोग सुखी वसदे रहे, अपने तन ते दुखड़े सहारी जांदा है, फिर की करदी है। दीवा बत्ती रख दिए, वो जिहड़ा चोला तैयार किया है गुरु जी दे चरणां विच कोल रख दिए, दोनों हत्थां नाल गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरण फड़ दिए, मत्था टेक दिए। ऐसा मत्था टेकिया कि माता तो मुड़ के उठी नहीं, मत्था टेक के उठी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे, निहालिया वो तेरी मां सचखंड नूं जा बराजी है, तेरी मां सचखंड जा बराजी है। सची प्यारे हो, इंज लगदा सी जिमें गुरु जी दे दर्शनां दी प्यासी सामां नूं रोक के बैठी से, ओ कलगियां वालिया जे मरांगी तां तेरे दर्शन करके ही मरांगी, दर्शन करके मरांगी। निहालिया तेरी मां सचखंड नूं जा बराजी है, निहाला अपनी मां नूं चुकदा है ते चुक के चबारे दियां पौड़ियां उतर जांदा है। गोबिंद सिंह जी महाराज करो दर्शन, कलगी तरदाते दा नीला चोला, इस नीले चोले बारे तुसां इतिहास विच बहुत कुछ सुनिया है, अज मैं तुहानू दर्शन करवा रहा हां। गुरु जी दे इस चोले विच एक इतिहास का पन्ना छुपया होया है, मैं तुहानू दसना जरूरी समझदा हाँ। 1705 विच लगभग 300 साल पहला गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर दी गढ़ी छड के माछीवाड़े दे जंगलां विच पुजे। एथे गनी खां ते नवी खां गुरु जी दी सेवा विच हाजर होए। उत्थे उन्होंने सतगुरां नूं नीले रंग दा चोला पुआया ते उच्च दा पीर भेस बना के जंगलां विचों बाहर लै गए। आलो जी तस्वीर राही भी असीं तुहानूं उह दृश्य दिखा रहे हां। ऐ ते नीला चोला है जिहड़ा सतगुरां पाया होया सी, उच्च दे पीर दा भेस बना के पलंगों पर बैठे ने। कई जगह पड़ा करदे होया सतगुरु ढिलमा पुजे। एथे भाई कौल सोढ़ी नूं पता लगा, वह गुरु जी दी सेवा विच हाजर होया। सतगुरां उत्थे वस्त्र बदली कीते, ए नीला चोला सतगुरां उतार के पाड़ के लीरा लीरा करके अग विच सुट दिता। जदों गुरु जी ने इस चोले नू अग विच सुटिया ते गुरु जी दे हलवाई लाल सिंह ने दौड़ के अग दे विच्चों इस चोले नू चुक लिया। प्यारे ओ करो दर्शन, ए ओही चोला है।
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नमस्कार। कैसिया ओ दर्द भरिया घड़िया सन जदों परिवार भी बिछड़ गया सी। सतगुरु हिंदुस्तान दे लोग सुखी वसदे रहन अपने ते दुखड़े सहार रहे सन। माछी बाड़े दे जंगलां विच्चों निकल आए ऐ ते चोला महाराज जी ने पाया होया सी। ऐ देखो कई जगह तो जलिया होया है, अग विच सड़िया होया है, करो दर्शन, मैं दिखा रहा हां तुहानू। ऐ देखो जगह जगह अग नाल जल गया सी। भाई लाल सिंह ने अग विच्चों कढ लिया, फटिया है लीरा लीरा हो गया सी। चोला ओही है जिदे बारे तुसी महान कोश विच भी पढ़ते हो। दशमेश पिता जी का नीला चोला जो महाराज जी ने टिलमा विखे आके उतार दिता सी। इस वेले भाई लाल सिंह जी की अंश वंश उन्हां दे कोल है। सत्कारयोग साध संगत जीओ, इस कीर्तनीय दी तुहाडे नाल सांझ बनी रहे। गुरमत दे प्रचार ते प्रसार ले कीता हर उपराला तुहाडे तक सब तो पहला पहुंचे, बिल वाले आईकॉन नू जरूर दवा देना जी।